जानवे बेटा यश के कमरे में जाने से पहले यहाँ भी आया कर, इधर आ। हे आंटी, व्हाट्स अप? थोड़ी तो लड़कियों वाली हरकतें कर। ओ गॉड आंटी, नॉट अगेन। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ आवर फ्रीडम। वैसे भी पूरी छुट्टियां तो इंडिपेंडेंस डे जैसे निकाल दी है तुम लोगों ने। कल से 11वीं की पढ़ाई शुरू करोगी। वैसे भी कौन से झंडे गाड़ने वाले हो तुम दोनों? झंडे गाड़ लेंगे आंटी, देख लेना आप। आ गया अर्थक्वेक सुबह सुबह। What? सुबह के 8 बज रहे हैं, she's already here, हाँ? नील, यश, यश उठना, उठ चल, उठना। यश! क्या कर रही है तू? डूड, तू अभी तक सो रहा है, हम लोगों को कितना कुछ करना है। Are you kidding me? No, I'll kill you. मुझे almost heart attack आ गया। Seriously dude, pillow fight? छी, Bollywood कहेगा। Bollywood बोलेगी? रुक, I'll smash your face with this. Try it. Smash my face, I dare you. तू तो डर करे मत, तेरा हारने का रिकॉर्ड है। बेटा मेरा तोड़ने का रिकॉर्ड है। पागल, क्या कर रही है? तोड़ने का, तोड़ने का। अरे What were you saying? I dare you. तू नहीं करेगी। Actually नहीं करूँगी। Because और भी बहुत काम है मुझे करने के लिए। Like Saint Mary's, the coolest school of Indore. सोच, कल से एक नया world होगा। Thank God हमारे वो सड़े से स्कूल में 11th और 12th नहीं था। काश होता यार। तुझे पता है, this last whole year मुझे नील से किसी ने कंपेयर नहीं किया। किसी ने ऐसा नहीं बोला कि ओ यू नील्स ब्रदर, नील इज सो ब्रिलियंट, व्हाई डोंट यू बी लाइक हिम। अरे नील कितना ऑसम है, तुम नील की तरह क्यों नहीं बन सकते? एटलीस्ट फॉर दिस ईयर वो नहीं था तो आई वॉज मोर ऑफ मी। अब फिर से वही आ जाएगा, फिर से नील इज दिस, नील इज दैट, नील इज दैट। छोड़ना यार, तू मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है। और वो तेरा एरोगेंट भाई नील, उसकी तो ऐसी की तैसी की वैसी की बीप की बीप की बीप। अच्छा छोड़, चल मेरे पास एक ऑसम आइडिया है तेरा मूड ठीक करने के लिए, चल। नहीं, अरे कहाँ लेके जा, रुक जा। बेटा सुबह का टाइम है, पहले नाश्ता कर लो, तुम्हारा फेवरेट पोहा बनाया है। मॉम, सुडोकू सॉल्व करते करते ये पोहा और भी टेस्टी लगेगा, यू नो व्हाई? फॉर सुडोकू इज फन। अंकल आंटी, मैं इसे लेके जा रही हूँ, शाम तक आ जाएगा। एक सेकंड बेटा, ये अभी तक तैयार नहीं हुआ है, यहाँ तक इसने ब्रश भी नहीं किया। अंकल लेट हो रहा है, बहुत कुछ करना है, प्लीज 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 प्लीज। डैड, किसे समझा रहे हो? जिसे खुद तैयार नहीं होना आता और जिसे मना नहीं करना आता। तुम तैयार इसलिए हो पाते हो क्योंकि वो तुम्हारी तरह रूड और शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है, वरना ये बॉडी ना तैयार होने लायक बचती नहीं। You know what? People who don't have brains use anger to cover their stupidity. How dare you talk about me and Yash like that? Aunty, देखा कितना rude है ये। बेटा वैसे नील सही तो बोल रहा है, यश अब बड़ा हो गया। बेटा उसको सोचना चाहिए कि इस तरह से घर से नहीं निकलते। अब नील को ही देख लो, तैयार होकर नाश्ता कर रहा है, पढ़ रहा है, और इन जनाब की सुबह ही अभी हुई है। मैं रेडी होकर आता हूँ। यार आई डोंट वांट अ न्यू हेयरडू यार। यस यू डू। उससे क्या होगा, सिर्फ आउटर अपीयरेंस बदलेगा ना,
अंदर से तो मैं वही रहा, सेम एवरेज यश। और सबको ना पता चलना चाहिए कि एवरेज भी अच्छा होता है। यार मुझे नहीं करवाना यार। तू एवरेज नहीं तो यूनिक है, और यही बात हम पूरे सेंट मेरीज को बताएंगे। But since outer appearance जल्दी बिकता है for some stupid people to notice it faster, so that's why I'm gonna make you look more cooler. मर जाएगी कर दी वकील नखरोनी, तेनु दसा की मुसीबतां ने बड़िया, दसा की मुसीबतां ने बड़िया, तेनु जट दे ने गोल दे ते कंकण कुड़े, जट दे नसीबां विच हथ कड़िया, तेनु जट दे ने गोल दे ते कंकण कुड़े, जट दे नसीबां विच हथ कड़िया। सच्चा यार म्यूजिक छड़ खेड़ा छ तू बलौड़ वाला वालिए नी सुरमे दे वांगू जट रड़कू लाल आज रेड रेड लिप शेड़ तेरा पे स्टेन गन वांगू दिल तड़कू लाल आज रेड रेड लिप शेड़ तेरा पे स्टेन गन वांगू दिल तड़कू तुम्हे बदगी है बुझे ना सिगार मेरी नी। मेरे हार्ड वर्किंग बच्चों के लिए हॉट एंड क्रिस्पी भजिए। कोई उल्टू टाइप का प्रोजेक्ट चल रहा है क्या? डैड आप डूड मत बोलिए, आप सूट नहीं करता। लो बेटे। जी ये तो जला हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उल्टा करके रखा था। फिर मुंह में तो सीधा ही जाएगा ना। मजाक कर रहे हो, जले हुए पार्ट को छोड़ के बाकी सब टेस्टी है। रियली? अच्छा तुम ये पकड़ो, मैं अभी और बना के लाता हूँ। यार तू कितनी अमेजिंग है। कुछ नया बता, तुझे पता है मैं अमेजिंग क्यों हूँ? नहीं। तेरी वजह से। यू रिमेम्बर व्हेन माय मॉम पास्ड अवे, तूने मुझे रत्ना आंटी से मिलाया था, उन्होंने मुझे अपनी घर की बेटी बना के रखा। थैंक्स यश। ए चल बॉलीवुड सेंटी मत मारा, पेंट कर पेंट कर। अच्छा मेरे को एक बात बता, ये पेंट का और सबका पैसा तेरे पास आया कहाँ से? वो डू वी हैव टू स्टिक टू अ पैक्ट ऑफ नो लाइज एवर? तूने फिर से कुछ गड़बड़ की, तू मुझसे क्या छुपा रही है? वो एक्चुअली सुबह सुबह तेरे रूम में जो तुझे बुलाने आई थी ना, तब वो तेरा पिगी बैंक वाज कॉलिंग मी। यू टुक ऑल माय सेविंग्स टू सेव टू मेक यू बेटर। नाउ यू सेव योरसेल्फ। रुक रुक। हाय यश कहाँ है? वो एक्चुअली मॉम ने भेजा है टू गेट यश होम। कॉल कर लेते, यहाँ क्यों आ गए? और वैसे भी यश जा चुका है, तुम भी जा सकते हो। उच्चे उच्चे बूट तेरे जट बूट नाल ऐवें करना ब्लिंक नहीं तू अखा बिलिया लाल आज रेड रेड लिप शेड़ तेरा पे स्टेन गन वांगू दिल तड़कू
लालिया दे रेड रेड लिप शेड तेरा ते सटेन गन वांगू दिल धड़कू तूए बदगी है बुझे ना सिगार मेरी नी हरी बंदे या ते गन्ना नाल कार मेरी हे नील स्क्वॉश प्रैक्टिस लंच ब्रेक में करते हैं ओके अरे यश स्पिनर निकालना यार निकालना घुमा हे यू तू फ्रेशर है ना हाँ फर्स्ट डे पे इतना स्टाइल स्टाइलिश है ना इजंट इट कूल कूल व्हाट अ जोक तुझे सब सूट नहीं करता चल गिव इट बैक टू हिम क्यों भाई तेरे पास मुंह नहीं है ये तेरी माउथपीस है या गर्लफ्रेंड या दोनों अबे ओए तमीज से बात कर समझा सानवी छोड़ चल सानवी क्यों गर्लफ्रेंड बोलने में शर्म आ रही है हाँ हूँ मैं उसकी गर्लफ्रेंड पर तुझे नहीं समझेगा डम हेड यू What happening here? Neil, तुमसे ये expect नहीं किया था मैंने. So he was being rude to a girl. Then you should have come and talked to me about it. But sir, इसकी गलती थी. This is your first day in school, am I right? And you're going to tell me who's wrong and who's right? Exactly sir, मैंने यही समझा रहा था कि स्कूल में ये चीजें अलाउड नहीं है स्पिनर्स एंड ऑल और सडनली ही केम एंड स्टार्टेड बीटिंग मी बीटिंग स्टॉप लाइंग नील आई एम सेंडिंग अ रिटन कंप्लेंट टू योर पेरेंट्स उनके सिग्नेचर्स लेके आना एवरीवन गो टू योर क्लासेस सबको की इट वॉज माई मिस्टेक उच्चे उच्चे बूट तेरे जट बूट नाल एवें कला ब्लिंक ने तू अखा बिलियां तेरे सिल्क दे सूट तो भी वध काला होना जेड़े माल नाल करे जट अखा बिलियां मर जाएगी कर दी वकील नखरोनी तेन दसा की मुसीबतां ने बड़िया तेन जट दे ने गोल दे कंकड़ कुड़े जट दे नसीबां विच हथ घड़िया तेन जट दे ने गोल दे कंकड़ कुड़े जट दे नसीबां विच हथ घड़िया छट खेड़ा छट तू बलाउण वाला वाली ए नी सुरमे दे वांगू जट लड़कू लाल आज रेड रेड लिप शेड तेरा ते सटेन गन वांगू दिल धड़कू लाल आज रेड रेड लिप शेड तेरा ते सटेन गन वांगू दिल धड़कू तूए वरगी है बुझे ना सिगार मेरी नी परी बंदे या ते गन्ना नाल कार मेरी नी परी रे जी गन्ना नाल सच्ची कार मेरी नी ते देख मैग दिन वांगू अखा चढ़िया ਤੈਨੂੰ ਜੱਟ ਦੇ ਨੇ ਗੋਲ ਦੇ ਕੰਕੜ ਕੁੜੇ ਜੱਟ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ
रतांग दी बर्फ जे ये गल ते ब्लैक तिल तिल तेरे जिहा करा तंदा नी वीजा लाके भेजे जट चिट्टे बाने अज पैक मुड़ता नी जिथो गया बंदा नी वीजा लाके भेजे जट चिट्टे बाने अज पैक मुड़ता नी जिथो गया बंदा नी सुच्चा यार सुच्चा बदनाम बलिए फरीद कोट बोलदे ने इल्जाम बलिए साढ़े सिर बोलदे ने इल्जाम बलिए नी फिर रोवे की के किथे अखा लड़िया तैनू जट दे ने गोल्ड ते कंगन कुड़े जट दे नसीबा विच हथ घड़िया तैनू जट दे ने गोल्ड ते कंगन कुड़े जट दे नसीबा विच हथ घड़िया तैनू जट दे ने गोल्ड ते कंगन कुड़े जट दे नसीबा विच हथ घड़िया तैनू जट दे ने गोल्ड ते कंगन कुड़े मूवी का टेंशन पाने के लिए ना रोज रोज डिफरेंट इयररिंग्स पहनने पड़ते हैं पर वो मुझे नोटिस ही नहीं करता एंड या दिस ट्रांसपेरेंट नेल पेंट ऑल दिस फनी हे कैट सानवी तू आज अलग क्यों लग रही है ऐसा कुछ नहीं है इयररिंग्स तूने इयररिंग्स पहनी है पूरी की पूरी लड़की लग रही है तू तो क्या हुआ सेंट मैरीज की सारी गर्ल्स पहनती है इवन दैट नैना
एक सीक्रेट बताओ? I like that when you do that. So you like it when I hold you? I like it. इसलिए we can't be friends. But अगर तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना है तो I won't say no. सानवी, सीधा घर चलते हैं. अंकल के सामने ज्यादा बात मत करना, अपने रूम में जाना. प्रॉमिस? क्रॉस माई हार्ट. हे सानवी, तेरा हेडेक अभी तक नहीं गया? हेडेक? हाँ, वो नील ने बताया तुझे लाउड म्यूजिक से कुछ हेडेक हो गया था. एंड सॉरी यार, मैं राशि के साथ थोड़ा बिजी था, बट आई विल पक्का मेक इट अप टू यू. मैं मॉम से ना हेडेक का क्योर भी लेके आया हूँ. दालचीनी का लेप ट्राई करते हैं. यश सुनना, आई हैव हे राशि, कम ना. चल. मीट माय बेस्ट फ्रेंड सानवी. और सानवी, ये मेरी न्यू फ्रेंड राशि. हाय. हाय. ही केप्ट टॉकिंग अबाउट यू यस्टरडे. तुम्हें पता है, अभी मानस और नील लड़ रहे थे. उसमें क्या नया है? नील को तो सिर्फ बहाना चाहिए होता है फाइट करने का, फिर सामने कोई भी हो. यू गाइस कैरी ऑन, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ. How are you? I'm perfectly fine. And yeah, I don't remember anything from last night. Silence, please. You're lying. Why will I? Because कल रात को तुमने मुझसे कहा था that you like me holding you. Just stop repeating what I told you. That means you remember. वैसे, I would be happy to be your boyfriend. You know that's not possible, right? But why? School topper is acting all dumb now. Obviously, Yash को बुरा लगेगा. तो उसे नहीं बताएंगे यार. And you think मैं ये कर पाऊंगी? Like, अब भी देखा कितना अच्छा झूठ बोल रही हूँ मैं. And yeah, हमारा एक पैक्ट है, मेरा और यश का, no lie वाला. वो नहीं तोड़ सकती मैं. तो तुम उसे झूठ क्यों बोल रही हो? It's just that तुम उससे हाइड कर रही हो, और मेरे हिसाब से इससे तुम्हारी फ्रेंडशिप पे कोई असर नहीं पड़ेगा. ट्रस्ट मी. वैसे यू नो सानवी व्हाट टू डू, डोंट यू? बेटा तुम यहाँ आ गए, मैं तुम्हारे लिए कमरे में ही ला रही थी. नो प्रॉब्लम मॉम, मैं यहीं बैठ के पी लूंगा. I fell in love with you just because तुम ये
इयररिंग टाइप लड़की नहीं हूँ। फॉर मी यू आर मच मोर देन दैट। तुम मुझे इंप्रेस करने के लिए तुम्हें ये इयररिंग्स पहनने की जरूरत नहीं है। वेट, यू लव मी? आंटी यश है? नहीं, वो तो स्कूल से ही चला गया बेटा। ओ, अरे अपनी नानी के यहाँ गया है ना, उसके कजिन्स आए हैं ना यूएस से, हम भी वहीं जा रहे हैं। तुम्हें बताया नहीं उसने? एक्चुअली मुझे होमवर्क में हेल्प चाहिए थी। नील है? हाँ बेटा वो है, एक्चुअली वो नहीं जा रहा है, उसका एग्जाम है ना, इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है, अपने कमरे में है, चले जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, उसको डिस्टर्ब मत करना। ओके अंकल, डोंट वरी। ओके। नील, मैं जा रही हूँ, सानवी से ठीक से बात करना हाँ, और उसे होमवर्क में हेल्प चाहिए तो प्लीज करवा लो ना। हाँ हाँ, सानवी। तुम यहाँ इसके साथ? मैं तुम्हारे लिए वहां से जल्दी निकल कर आ गया और तुम? यश, यश, यश प्लीज दरवाजा खोल, यश प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले, प्लीज एटलीस्ट लेट मी एक्सप्लेन, प्लीज यश एक बार सुन ले, यश प्लीज प्लीज एक बार दरवाजा खोल, यश प्लीज एक बार प्लीज, यश प्लीज एक बार खोल दे। सानवी, मैंने कहा था ये सही नहीं है, तुम्हारे इन्फ्लुएंस में आके आई स्क्रूड अप, आई हैव लॉस्ट हिम बिकॉज ऑफ यू, आई हेट यू। Thank you.
बेटा रोटी थोड़ी जली हुई है। क्या हुआ, जली हुई रोटी देखकर इतनी दुखी हो गई? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ ये सब उस लड़के की वजह से, राइट? ये आप क्या कह रहे हैं? कल तुमने अपना लैपटॉप तो बंद कर दिया था, लेकिन अपनी और नील की चैट विंडो बंद करना भूल गई थी। देखो बेटे, अच्छे सभी लोग होते हैं, सिर्फ वक्त खराब होता है। अभी तुम तीनों का वक्त थोड़ा खराब चल रहा है, तो जो कुछ करना सोच समझ कर करना। अब मैं क्या करूं पापा? ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ ऐसा मत कर देना कि उन दोनों भाइयों में और लड़ाई हो। ओके? बेटा दर्द की वजह से भूख नहीं लग रही है क्या? डैड दर्द नहीं है, छोटी सी इंजरी है, ठीक हो जाएगी। ऑफकोर्स, तभी तो यू केम बैक। अच्छा, नाउ टेल हिम दैट यू लव मी मोर। नो आई वोंट। हाँ मुझे पता है मैं इतने जल्दी नहीं डिसाइड कर सकती हु डू आई लव मोर, पर तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, और तू मेरा पहला प्यार। एक्चुअली तुम दोनों को मुझे खुश रखना पड़ेगा। यू नो वॉट, जब हम ओल्ड हो जाएंगे और तुम्हारे दो दांतों में से सीटियां बजने लगेंगी और बाल भी झड़ने लगेंगे, तब शायद डिसाइड कर पाऊंगी कि